बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आप साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट, अपनी जगह आपका युग साथ में शेयर करूंगा आईफोन 11 प्रो मैक्स। अच्छा, मैं इसकी वीडियो पहले भी शेयर कर चुका हूं काफ़ी। आप भाई अक्सर मुझे बहुत से मोबाइल को लेकर कमेंट करते हैं सॉरी, तो यहां पर मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखा रखा हूं। मेरे भाई चैनल के ऊपर आप जाएं, प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें। यहां पर आपको जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई दिखाई देंगी, इनमें एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मोबाइल रेट्स इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें, इसके अंदर आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी। और आप जिस किसी भी मोबाइल की वीडियो ढूंढ रखे हैं, आपको मेरे हिसाब से यार मैंने तकरीबन बहुत ज्यादा मोबाइलों की वीडियो शेयर कर चुका हूं, तो यहां पर वो मुमकिन है आपको उस मोबाइल की वीडियो मिल जाए आईफोन सीरीज के मुतल्लिक। चाहे वो भाई फिर 6 सीरीज है, 7 है, 8 है, या एक्सटेंड वगैरह है, एक्सएस मैक्स वगैरह है, या 11 सीरीज है, या 12 सीरीज है, इनकी वीडियो तो भाई कंप्लीटली 5-5 मिल जाएंगी आपको। तो आप यहां पर जाकर कुछ सी भी मोबाइल के मुतल्लिक कोई भी वीडियो देखनी हो तो देख सकते हैं। ये रहा जी आपके सामने आईफोन 11 प्रो मैक्स, यूजर में पड़ा हुआ है जी, किस लोकेशन में पड़ा हुआ है ये भी आप भाइयों को बता देता हूं मैं। तो इसके अलावा इसके प्राइस से भी आप लोगों को अपडेट करता हूं। आप भाई सऊदी अरब के किसी भी शहर में खरीदना चाहते हैं तो हर शहर में भाई मोबाइल मार्केट अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी भाई आपके साथ वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप भाइयों को मोबाइल की कंडीशन वगैरह और इसके प्राइस से अपडेट करूँ, यानी कि इस कंडीशन का आपको कितने तक का लेना चाहिए। बाकी आप भाई मुझे कमेंट में भाई अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। सबसे पहले अगर इसके बैक कैमरों के मतलब बात करें तो आपको 3 कैमरों का सेटअप, यानी कि तीनों भाई 12-12 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, और इनके मिरर और इनके इर्द गिर्द जो कलर रखा गया है गोल्ड कलर में ये अवेलेबल है, और शाइनिंग गोल्ड इसे बोलते हैं जी, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो इसके जो इर्द गिर्द कलर रखा गया बिल्कुल ओके पड़ा हुआ है, जो मिरर वगैरह है ये भी बिल्कुल ओके है। नीचे आप देख रखे होंगे जी भाई 256 GB 3500 ऊपर लिखा हुआ, ये इसके प्राइस हैं जी। लेकिन इसके जो प्राइस कन्फर्म है उससे मैं आपको वीडियो उस यानी उन प्राइस से मैं आपको भाई वीडियो में आगे आगाह करता हूँ। नीचे स्पीकर गिलिंग चार्जिंग की जगह ये भी बिल्कुल ओके पड़ी हुई है, इनमें भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, यानी कि चार्जिंग की जगह भाई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेन चीज ये होती है। स्पीकर गिलिंग भी कहीं से फटी हुई नहीं है, साइडों से कोनों से ऊपर नीचे से मोबाइल मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं कोई मोबाइल गिरा हो तो को भाई कोई मसला तो नहीं है, कहीं मोबाइल में कोई खराशें वगैरह ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है जी, ऐसा कोई मसला नहीं है। ऊपर नीचे से बैक साइड से मोबाइल बिल्कुल ओके है, एक आध खराश जरूर कहीं ना कहीं साइड पर मुझे महसूस हुई है, लेकिन यूजेबल मोबाइल में ये कोई मसला नहीं है, और खासकर आईफोन 11 प्रो मैक्स में। भाई अगर बात करें इसके डिस्प्ले के मतलब, तो आपको इसके सारे 5 इंच 6.5 इंच का भाई बोल रहे हैं, आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाएगा। और अगर बात करें भाई, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक चीज़ आपको, मैं फिर एक कोना मुझे लगा है शायद वहाँ से डैमेज है, लेकिन नहीं जी बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। और अगर भाई बात करें यहाँ पर इसके कैमरे का रिजल्ट भी मैं आपको चेक करवा रखा हूँ, 12 मेगापिक्सल के आपको पता ही 3 कैमरों का सेटअप रखा गया है। और अगर स्टोरेज की बात करें ना भाई, आपको 64, 256, 512 GB, 128 GB इसमें गैप कर दी गई थी। और अभी मैं आप भाइयों के साथ इसकी भाई बैटरी हेल्थ चेक करवा देता हूं आपको। आप भाई मुझसे यार बहुत पूछते हैं इसके मुतल्लिक, तो यहां पर आप अपनी वीडियो में देख रखे होंगे 85% 85% है जी गुड कंडीशन में आती है, 80+ से 90% में गुड कंडीशन में आती है, 90+ में आपको पता ही फिर वेरी गुड कंडीशन में आती है। तो इसी लिहाज से इसके प्राइस भी डाउन होते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर बैटरी की जो हेल्थ है वो जितनी डाउन होगी उतने प्राइस भी डाउन होंगे। और अगर बात करें इसकी ओरिजिनल बैटरी के मतलब, तो 4000 mAh की भाई आपको इसमें ओरिजिनल बैटरी मिल जाएगी। सेल्फी कैमरा भी आपको पता ही 12 मेगापिक्सल का, आप HDR 180+ 4K वीडियो सेल्फी कैमरे वही जो सेम बैक कैमरा वही सेल्फी कैमरा इसमें रखा गया है, ये एक अच्छी चीज़ आई आईफोन कैमरों के लिहाज से भाई, रिजल्ट वाइज यानी के बेमिसाल है, इसकी कोई भाई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बॉक्स इसके साथ अवेलेबल है, मैं आपको बॉक्स भी दिखा रहा हूं, आपको डाटा केबल मिल जाएगी, चार्जर नहीं है जी इसके साथ, ये मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं पहले ही। तो अभी मैंने इससे पूछा है भाई को तू कंफर्म बता प्राइस क्या लेगा इसके, तो वो बोल रहा है भाई 3500 रियाल तूने देख तो लिया, मैंने बोला 256 GB इस वक्त 3500 के अराउंड में न्यू मिल जाता है, वो बोलता है मैं इसमें प्यार मोहब्बत थोड़ा कर लूंगा, यानी कि अगर मैंने आपको बोला ना भाई 3600 के अराउंड में, वो कभी कभार किसी मॉल में डिस्काउंट में लगता है, वरना ये 4000 या 4142 के राउंड में मिलता है 256 GB वाला। और ये शॉप वाला इस वक्त इसके भाई मांग रहा है 3500 रियाल, तो मैंने उसको बोला कंफर्म बता दो, वो बोल रहा भाई 100 रियाल कम, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं, मेरे हिसाब से इस कंडीशन का मोबाइल आपको 3000 से भाई बिल्कुल ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बाद में आपको जब भी आप सेल करेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बाकी आप भाई मुझे कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। और अगर लोकेशन की बात करें, आप भाई अक्सर पूछते हैं तो जद्दा फलस्तीन मोबाइल मार्केट भाई सऊदी अरेबिया, यानी कि आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो आपको कन्फर्म पता होगा इसके मुतल्लिक, तो वहां पर ये अवेलेबल है।